You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? वही जो जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा उसमें इसी का अंग्रेजी। सर अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं। तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है, पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। हाँ। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। फुल बेंच अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। इस केस में पारित आदेश दिनांक 30/6/2022 का स्मरण करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा भारत संघ की राजभाषा हिंदी में दाखिल आवेदन का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न करने का दायित्व वैसे व्यक्ति पर चला गया जो अंग्रेजी जानता नहीं। वेयर इज द ऑर्डर? हुजूर 30/6/2022 ये आईए के साथ लगा हुआ भी है। 30/6/2022 हर लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज हेयर बाय डायरेक्टेड टू फर्निश ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ सिविल मिसलिनियस नंबर 188/2021 विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक, फेलिंग विच पिटिशन और स्टैंड डिसमिस। मुझे प्रार्थना है कि इस आदेश को वापस लेकर अनुवाद डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन कॉपी। जी हाँ, तो वेयर इज द ट्रांसलेशन? वो दाखिल नहीं हुआ है, एक आईए फाइल हुआ है इस ऑर्डर को वापस लेने के लिए और अनुवाद संलग्न करने का दायित्व अनुवादक विभाग पर सौंपने के लिए। और हुजूर इस तरह के एक मामले में सौंपा भी गया है। नो हुजूर आईए का यू वांट टू फाइल अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ऑर्डर डेटेड order passed in civil miscellaneous 188 of 2021 or not? हाँ, हम दाखिल नहीं किया लेकिन एक आईए फाइल किया है आदेश को वापस लेने के लिए और अनुवाद अनुवादक विभाग से करवाने के लिए। All right, where is that full bench decision? Full bench decision हुजूर? Where is that? Give the citation. जी, ये 2019 take down Mr. volume 2 PLJR page 809. So and so. Sorry. जी ऑर्डर डेटेड 30 June 2022 इज नॉट कम्प्लाइड। उसमें एक चीज हुजूर देख लिया जाए। सब ऑन द अदर हैंड ही हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन फॉर रिकॉलिंग द ऑर्डर डेटेड 30 June 2022। टू स्टॉप ऑर्डर डेटेड 30 June 2022 रीड्स एज अंडर द अफोरसेड ऑर्डर इज इन टर्म्स ऑफ अ फुल बेंच डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट reported in so and so para 84 हुजूर 79 सुसंगत। सर para 84 asking you to submit a translation copy in that judgment। जी, there is a provision तो for providing translated copy। वही तो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि petitioner से ही लेना है, उसके लिए अनुवादक विभाग है। this is order rejected हुजूर। उसमें एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं, उसको देख लिया जाए। हुजूर एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं पेज 13 पर, नन इसी बिंदु पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद पाया गया। सर आई एम रिलाइंग ऑन फुल बेंच डिसीजन। हाँ, तो फुल बेंच का डिसीजन देख करके ही ये ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है सर, डिवीजन बेंच का ऑर्डर है वो, तो हुजूर मानने के लिए आई एम बाउंड बाय फुल बेंच डिसीजन। फुल बेंच डिसीजन देख करके ही ऑर्डर हुआ है। हाँ ठीक है, पेज हुजूर 13 पर है, इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। Lord Learned Council for the petitioner and Learned Council for the state. All right, go the and petition file filed by Learned Council for the petitioner is in Hindi. In view of the above, office is directed to get translated the Hindi petition filed by Learned Council for the petitioner into English from the translator. I am bound by para 84 of the full bench decision. That's full all. Bench decision पर ही सुनवाई हुई। हाँ ठीक है सर, तो full bench decision हुजूर हम पढ़ देते हैं।
फुल बेन डिसीजन को हुजूर ठीक से समझ लिया जाए। काहे कि एक बार मतलब आज़ादी के पहले से हुजूर पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल हो रहा है और बिना अंग्रेजी अनुवाद लिए हुए गुण दोष पर सुनवाई हो रही है। आज के तारीख में भी पटना हाईकोर्ट में ये गिव द बुक फुल बेंच डिसीजन जी लिख दिया है, लीजिए। हाँ लिस्ट दिया हुआ। इसका पैरा 79 हुजूर देख लिया जाए। पैरा 79 के द्वारा स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है। स्वर्ण सिंह बग्गा केस प्रावधानित करता है कि पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है और वस्तुतः इस न्यायालय के द्वारा कई मामलों में स्वीकार किया गया है। और इसका पैरा 101-102 बहुत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त निर्वचन के पक्ष का पक्षधर होते हुए मैंने भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 और 351 के उपबंधों और जनसाधारण विशेषकर बिहार राज्य की भाषा हिंदी होने का गहनतापूर्वक विचार किया। इस प्रकार निर्देश का उत्तर यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा उसमें इसी का अंग्रेजी। सर अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। गुड। नॉट 84 पैरा 138 रीड्स एज अंडर अकॉर्डिंगली पिटिशन स्टैंड डिसमिस। इसके बाद हुजूर पैरा 12 भी देख लिया जाए। रीड पैरा 138। हाँ तो 138 वो जो है माननीय सदस्य का एक विचार है, एक सदस्य का विचार। Keep on arguing the matter in Hindi. I am not able to understand. With reference to para 138 of the full bench decision, you are required to furnish translated version. You are not complied my previous order. Therefore, I have rejected your claim. तो इसीलिए तो उसको वापस लेने के लिए हमने IA फाइल किया। हमारा ये है वैसी उसी full bench का decision को देख करके sir office... take up this matter and test before the LPA bench. LPA बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर नो आई हैव रिजेक्टेड योर पिटीशन। नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। बेंच 138 फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है। सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। गिव द बुक रीड पैरा 138। द ओपिनियन डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल द चीफ जस्टिस सो टू मल्टी प्लेयर टू बी epigrammatically and sorry with great dexterity however honorable the chief justice has read the notification in such a manner that the proviso in the said notification has been indented providing an eglenook for interpreting to it to mean that Hindi has not been prohibited to the exclusive of English. The clause with has been put over the interpretation given by Brother Prasad Judge and me in that in the absence of my prohibition of the use of Hindi language in Devanagari script, especially with reference to writ petition, Hindi can be accepted and an elective language for preferring
such petition, but with the caveat that along with the Hindi version, along with English translation, shall also be provided. Do it. हाँ, तो इसी पर तो अब देखा जाएगा ना कि एनेक्सर जो हम लगाए हैं डीबी का, ये हमसे नहीं लेना है. अगर हम ही को देना पड़ेगा तो हम हिंदी में कहाँ के लिए फाइल करेंगे? ठीक है, तब तो हम फाइल ही नहीं करेंगे. Take up this matter before LPA. LPA फाइल करेंगे तो हुजूर उसमें भी तो अलग से उनको पैसा लगेगा, अलग से लर्न करना पड़ेगा. वो एक एक डिवीजन लर्न काउंसिल पर एक डिवीजन बेंच का हुजूर हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको देखने में क्या जाओ सर. विच विल प्रिवेल, फुल बेंच और डिवीजन बेंच? फुल बेंच के फुल बेंच नहीं है डिवीजन बेंच, पैरा फुल बेंच के बाद का वो ऑर्डर है सर. 130 पैरा 139 हैज बीन ओवररूल्ड. पैरा 139 हैज बीन ओवररूल्ड बाय एनी ऑफ दिस कोर्ट. वो तो फुल बेंच के डिसीजन से ही नहीं है, फुल बेंच का डिसीजन है. एट दिस स्टेज लर्न काउंसिल पर द पिटिशनर keep on harping that he need not furnish English translation in the light of a full bench decision read with the division bench later decision to stop. He could not apprise this court whether para 139 of the full bench decision has been overruled by the competent forum or not. Therefore, the aforesaid contention of the petitioner is hereby rejected.